भदोही जिले के नंबर वन सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं, नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। चर्चित लेखपाल रामागिरी आखिरकार रिश्वत की फेर में फंस ही गया। वाराणसी से आई भ्रष्टाचार निवारण की टीम ने लेखपाल रामागिरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह चर्चित लेखपाल भदोही तहसील में लंबे समय से तैनात रहा। सत्यम न्यूज पर खबर प्रकाशित होने के बाद इस चर्चित लेखपाल का तबादला हो गया था। लंबे समय से भदोही तहसील में लेखपाल रामागिरी कुंडली जमाए बैठा हुआ था, लेकिन सत्यम न्यूज ने लगातार इस घुसखोर लेखपाल के खिलाफ अभियान चलाया था और इसका तबादला मिर्जापुर हो गया था, जहां मिर्जापुर के सदर तहसील में तैनात लेखपाल रामागिरी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले के सदर तहसील पर तैनात लेखपाल रामागिरी के खिलाफ मिर्जापुर कोतवाली के ककरहमा का पूरा निवासी गंगाराम यादव ने 22 मार्च को एक शिकायती पत्र देते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि लेखपाल रामागिरी द्वारा 5,000 रुपया रिश्वत की मांग की जा रही है। रणनीति बनाकर भ्रष्टाचार निवारण टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सदर तहसील गेट के सामने राजेश फोटो स्टेट की दुकान पर गंगाराम यादव ने पैसा देने के बहाने लेखपाल रामागिरी को बुलाया था। पैसा थामते ही भ्रष्टाचार निवारण टीम ने घुसखोर लेखपाल रामागिरी को पकड़ लिया। हाथ धुलाने पर उसका हाथ लाल हो गया। भदोही तहसील में रहते हुए चर्चित लेखपाल रामागिरी अकूत संपत्ति अर्जित की है। सूत्र बताते हैं कि कई स्थानों पर इस घुसखोर लेखपाल के आलीशान मकान व कीमती जमीन है। भदोही तहसील में रहते हुए इसकी हुकूमत चलती थी। देर रात तक इसके कमरे पर भूमाफियाओं का जमावड़ा लगा रहता था। हालांकि इस चर्चित व घुसखोर लेखपाल को लेकर सत्यम न्यूज लगातार खबरें प्रकाशित करते हुए इसके काले करतूत का खुलासा करता रहा। सत्यम न्यूज के खबर का ही असर रहा कि डीएम विशाख जी ने लंबे समय से भदोही तहसील में कुंडली जमाए बैठे लेखपाल रामागिरी का तबादला कर दिया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहे के समीप एक सूत के कारखाने में आग लग गई है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की जवानों ने आग पर काबू पाया। इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। बताया जाता है कि भदोही शहर के जमुंद कोटवाड़ा निवासी इरशाद कुरैशी फूलन देवी तिराहे पर सूत का कारखाना चलाते हैं। बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते कारखाने में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुवार की सुबह 11 बजे की घटना बताई गई है। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सूत की 3 मशीन सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। कारखाना संचालक का भारी नुकसान हुआ है। सपा ने भदोही में भी भीतरघातियों की तलाश तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी भदोही जिले के ज्ञानपुर व औराई सीट पर शिकस्त का कारण भी तलाश रही है। इसके लिए बाकायदा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक पत्र भी जारी किया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अगर हम भदोही जिले के औराई व ज्ञानपुर सीटों पर शिकस्त के कारणों को लेकर राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा के भीतरघातियों ने ही खूब काम किया है। ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर तो चुनाव से पहले ही सपा के ही एक नेता पर मदरसे का पैसा हड़पने का बड़ा आरोप लगा था। इस सपा नेता ने मुस्लिम इदारे का ही पैसा हड़प लिया है। अब बात अगर हम करें औराई विधानसभा की, तो यहां भी भीतरघातियों ने खूब भीतरघात किया है। इसी तरह जिला पंचायत चुनाव में सपा के कई चेहरे बेनकाब हुए थे, जिन्होंने जमकर पार्टी के साथ गद्दारी की थी। यहां तक कि सपा के एक प्रत्याशी ने तो नामांकन तक नहीं किया था। कुल मिलाकर पार्टी के ऐसे ही गद्दारों की तलाश में सपा जुट गई है। परिंदा भी परीक्षा सेंटरों पर न मार पाए, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गुरुवार से बोर्ड की परीक्षाएं भदोही जिले में शुरू हो गई हैं।
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा को लेकर दिन भर भदोही जिले में पुलिस व अधिकारी मुस्तैद नजर आए। नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा को संपन्न कराने के लिए अधिकारी केंद्रों का भ्रमण करते रहे। निगरानी के लिए 3 जोनल, 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 90 स्टेटिक मजिस्ट्रेट व 4 सचल दस्ता की टीम मुस्तैद थी। परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थी हाँपते कांपते केंद्रों पर पहुंचे। हाई स्कूल के छात्रों ने दोनों पाली में प्रारंभिक हिंदी व इंटर के छात्रों ने प्रथम पाली में सैन्य विज्ञान व तृतीय पाली में समान हिंदी की परीक्षा दी है। भदोही जनपद नामी गिरामी नकली खाद्य पदार्थों का हब बन गया है। मुनाफाखोर नकली सामान बेचकर भदोही की सेहत बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर इन मुनाफाखोरों को खुली छूट दे रखी है। गुरुवार को भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार में छापेमारी के दौरान एक नामी कंपनी का नकली नमक बरामद हुआ है। मोड़ पुलिस ने मुकेश जायसवाल नामक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि एक नामी गिरामी नमक कंपनी के कर्मचारी की सूचना पर मोड़ पुलिस ने बाजार के एक किराने की दुकान पर छापेमारी की। चौकी इंचार्ज श्यामजीत यादव ने बताया कि किराने की दुकान पर छापेमारी के दौरान 9 बोरी नकली नमक बरामद हुआ है। कॉपीराइट एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। गोपीगंज इलाके के चक निरंजन गांव का मामला अब्तुल पकड़ता जा रहा है। राम प्रसाद उपाध्याय का परिवार दहशत में है। इसी बात को लेकर गुरुवार को राम प्रसाद उपाध्याय की पत्नी मीना देवी अपने परिजनों के साथ पहुंचकर एसपी को एक पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी कभी भी उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करा सकते हैं। मीना देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसका लड़का मनीष उपाध्याय व गांव के आशीष उपाध्याय एक बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी प्रदीप उपाध्याय सहित आधा दर्जन लोगों ने मनीष उपाध्याय व आशीष पर हमला कर दिया। इतने बड़े मामले में पुलिस ने 151 की कार्रवाई की है। विवाद के बाद पीड़ित परिवार खौफ में है। एसपी को पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपीगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 17 में कराए जा रहे नाला निर्माण पर सभासद ने अनियमितता का आरोप लगाया है। सभासद नरेंद्र दुबे ने आरोप लगाया है कि राजा तालाब में गंदा पानी जाने से रोकने को लेकर नाला निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन इस नाला निर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही है। पुराने नाले को ही साफ सफाई कर धन का बंदरबांट किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट ठेकेदार नगर पालिका परिषद गोपीगंज का जेसीबी व ट्रैक्टर प्रयोग कर रहा है। सभासद ने पूरे मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के नई बाजार में संचालित दर्श सोसाइटी द्वारा मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे 3 हाफिज बच्चों की दस्तारबंदी की गई है। मोहम्मद जिसान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद आबिद की दस्तारबंदी की गई है। पिछले 1 साल से यह मदरसा संचालित हो रहा है। दर्श सोसाइटी के तहत कारी इब्रार आलम द्वारा इस मदरसे को संचालित किया जाता है। इस मौके पर कारी इस्माइल, कारी महमूद, मौलाना सलमान महमूद आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में टीबी रोगी खोज अभियान तो चलाया गया, लेकिन इस अभियान को स्वास्थ्य विभाग खुद ही पलीता लगा रहा है। अभियान को लेकर कागजी घोड़ा तो खूब दौड़ा गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्वास्थ्य विभाग का टीबी रोगी खोज अभियान भदोही जिले में फुस होता नजर आया। टीम कारपेट व ऊल का काम करने वाले मजदूरों के पास, बीड़ी बनाने वाले मजदूर व मलिन बस्तियों में नहीं पहुंच पाई। भदोही जिले के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां टीबी जैसे रोग से मरीज पीड़ित हैं, जिन्हें खांसी आ रही है, लगातार सेहत गिर रही है, लेकिन क्षय रोगी खोज अभियान टीम इन तक नहीं पहुंच पाई। जानकारी के अभाव में ऐसे मरीज झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज सर्दी खांसी जुकाम का करा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपा रहा है। भदोही शहर के मध्य आसपास के मोहल्लों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूड़े के अंबार में आग लग गई। कूड़े की आग तेजी से फैल रही थी। कूड़े की बढ़ती आग लोगों के घरों तक न पहुंचे, ऐसे में आसपास के लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद कूड़े के अंबार में लगी आग पर काबू पाया। मामला भदोही शहर के मोहल्ला पिरखापुर काजीपुर के समीप फकीर सेठ के हाथे का है। इस हाथे में फेंके गए कूड़े में आग लग गई। कचरे के धुएं से लोगों की सांसें फूलने लगी।
आग भी तेजी के साथ फैल रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शहर के बीचों बीच फेंके जा रहे कूड़े से लोगों में आक्रोश है। औराई विकास खंड के तुलसीपुर गांव की आधा दर्जन महिलाओं ने डीएम दरबार पहुंचकर पीएम आवास की मांग की है। ग्राम सभा मेदिनीपुर के तुलसीपुर से पहुंची रेणु, सुमन, शकुंतला, राधिका, पुष्पा, सुनीता, राम, राजी आदि महिलाओं ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वह अनुसूचित जाति की बेहद गरीब परिवार से है, तिरपाल आदि डालकर रहने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पत्र देते हुए महिलाओं ने पीएम आवास की डीएम से गुहार लगाई है। कोरोना इलाके के नगरदा गांव में 16 मार्च को ट्रांसफार्मर जल गया था। कुछ दिन बाद ट्रांसफार्मर तो लगा दिया गया, लेकिन विद्युत कर्मी सुविधा शुल्क के चक्कर में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा इलाके वासियों का आरोप है। कनेक्शन न होने की वजह से लगभग 4 दर्जन घर अंधेरे में है। बगैर बिजली लोग बिलबिला उठे हैं। 63 KVA का ट्रांसफार्मर विद्युत कर्मियों ने तो लगा दिया है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से एक और ट्रेन के चलने से व्यापार प्रतिमंडल गोपीगंज के लोगों ने खुशी जाहिर की है, रेल मंत्री का आभार जताया है। गोपीगंज नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने बताया कि व्यापार प्रतिमंडल की मांग पर रेल मंत्री ने गोपीगंज को यह बड़ी सौगात दी है। मंडुआ डी से सूरत के लिए सूरत बनारस सुपरफास्ट ट्रेन मिली है। यह सुपरफास्ट ट्रेन ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिसका लंबे समय से उद्योग व्यापार प्रतिमंडल मांग करते चला आ रहा था। भदोही ब्लॉक के रोटाहा स्थित संसाधन केंद्र पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक इकाई भदोही की निर्वाचन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई है। निर्वाचन अधिकारी रितेश तिवारी व पर्यवेक्षक देवेंद्र मिश्रा की देखरेख में महासंघ का निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष आनंद सिंह, महामंत्री आलोक राय, संगठन मंत्री रणवीर दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर अनिल सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी, अफरोज, कोषाध्यक्ष के लिए धीरेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी नीरज कुमार, संयुक्त महामंत्री राकेश सिंह को चुना गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए शपथ भी ली। इस मौके पर प्रतीक मालवी, शिल्पी अग्रवाल, अनुराधा मिश्रा, हरिओम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग कौलापुर के समीप हावड़ा से राजस्थान की ओर जा रही एक ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद दोनों चालकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कहा सुनी की जानकारी मिलने पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कोतवाली ले आई। बताया जाता है कि कार प्रयागराज की तरफ जा रही थी, जैसे ही एक ढाबे से कार निकली तभी ट्रेलर ने टक्कर मार दी। कार सवार युवकों ने ट्रेलर चालक की जमकर पिटाई भी की है। लखनऊ व भदोही से प्रकाशित सत्यम न्यूज परिवार के एडवोकेट फरहान कुरैशी जिला सत्र न्यायालय ज्ञानपुर भदोही के अधिवक्ता बने हैं। गुरुवार को एडवोकेट फरहान कुरैशी ने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर भदोही की सदस्यता ली है, जहां अधिवक्ताओं का उन्हें आशीर्वाद मिला। युवा अधिवक्ता फरहान कुरैशी का लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अधिवक्ता परिसर ज्ञानपुर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एडवोकेट आलोक दुबे सहित एडवोकेट ओम प्रकाश, विनोद सोनकर, योगेश बनवाल आदि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला है। इस मौके पर टोनी मंसूरी आदि मौजूद रहे। वहीं भदोही जिले के पत्रकारों ने भी युवा एडवोकेट फरहान कुरैशी को बधाई दी है, जिसमें जैनुलाब्दीन बेग, शमशेर खान बड्डे, अशफाकुल्ला खान, फिरोज खान, कैसर परवेज, खुर्शीद खान, आफ्ताब अंसारी आदि पत्रकार शामिल रहे। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को एक विदाई व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अर्थशास्त्र विभाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर घनश्याम मिश्र, डॉक्टर किरण शर्मा, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर सत्येंद्र आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक खबरों के लिए आप देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़िए सत्यम न्यूज अखबार। मात्र 2 रुपए में सत्यम न्यूज के 8 पेज के अखबार में पढ़िए भदोही जिले सहित देश व प्रदेश की दमदार खबरें। इसी के साथ आइए अब फटाफट जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में।
आज 25 मार्च 1931 को प्रसिद्ध समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ था। फिलहाल इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।